आपको बताएंगे कि ट्रांजिशनल फॉर्म कैसे भरते हैं। तो आइए ट्रांजिशनल फॉर्म कैसे भरते हैं, पहले आप अपनी जीएसटी की ऑफिशियल साइट खोलेंगे। जीएसटी की ऑफिशियल साइट खोलने के बाद अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, तो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से आईडी लॉगिन करेंगे। तो जो भी आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाई है वो डालकर अपना आप लॉगिन करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी आईडी खुल चुकी है। आप यहाँ पर आपको तीन टैब दिखेंगे ब्लू कलर के, रिटर्न डैशबोर्ड, क्रिएट चालान एंड व्यू नोटिस एंड बोर्ड, व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स। तो अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इससे पहले वीडियोस कई सारी वीडियोस बनाई है जीएसटी की, उसमें आपको बता चुका हूँ उस पोर्टल के, पूरे पोर्टल के बारे में एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको पोर्टल के बारे में बताया हुआ है और रिटर्न के बारे में बताई हुई है। तो आज भी मैं आपको कुछ रिटर्न के बारे में बताऊंगा मैं, और ये थोड़ा रिटर्न डैशबोर्ड में बता दिया मैंने आपको, सारी रिटर्न यहीं पर मिलेंगी आपको। और क्रिएट चालान में अगर कोई लायबिलिटी पेमेंट है आप वहाँ पर क्रिएट चालान में पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स में अगर कोई नोटिस वगैरह आया आपका तो वो यहाँ मिल जाएंगे, शो हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं आज आपको बताऊंगा कि ट्रांजिशनल फॉर्म कैसे भरते हैं। तो आज हम ट्रांजिशनल फॉर्म सीखेंगे। तो जीएसटी की रिटर्न में ट्रांजिशनल फॉर्म तो बहुत प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रांजिशनल फॉर्म कैसे भरते हैं। तो देखो जैसे ही हमने ट्रांजिशनल फॉर्म को खोला, आप जाएंगे सर्विसेज पे जाएंगे, उसके बाद रिटर्न्स में जाएंगे, उसके बाद ट्रांजिशनल फॉर्म में जाएंगे। ट्रांजिशनल फॉर्म को खोलोगे तो आपके पास ट्रान वन आ जाएगा। इसके अंदर आपके पास छह टैब दिखेंगे आपको, 5A, 6A, 7A, उसके बाद उसके आगे भी 7B, 7C, 7D। तो आपको यहाँ टोटल 8 टैब दिखेंगे। तो फिलहाल मैं आपको आज को सिखाऊंगा आपको कि वैट के अंदर किसी का अगर कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है जो आपने पिछले वैट के टाइम पर जब आपका जीएसटी नहीं था तब अगर आपने क्लेम नहीं किया था तो उसे दोबारा कैसे क्लेम करें, जीएसटी के अंदर हम उसे कैसे लें। तो उसका अमाउंट लेने के लिए ये आपको ट्रान वन भरना पड़ेगा। तो आइए हम ट्रान वन भरना सीखते हैं, कैसे ट्रान वन भरते हैं। तो आप देखिए अमाउंट 5A, 5B और 5C में अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड, अगर आपका कोई कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है इसका मतलब वो इसके अंदर आएगा। 6A और 6B में क्या है, डिटेल्स ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर विच इज अनअवेलेबल क्रेडिट हैज बीन नॉट बीन कैरी फॉरवर्ड, मतलब अगर कैपिटल गुड्स पे कोई कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है तो वो आपका 6A और 6B में आ जाएगा। 7A, 7B और 7C और 7D, डिटेल्स ऑफ इनपुट हेल्थ इन स्टॉक, अगर आपका स्टॉक कोई बचा हुआ है और आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर ले सकते हो। डिटेल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ सैंडवेट क्रेडिट रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग अ सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन, तो आपने जो भी कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट है आपका सैंडवेट क्रेडिट का वो यहाँ पर ले सकते हो जो आपके पिछले वैट में ले लिया। 9A डिटेल्स ऑफ सैंड और जॉब वर्कर हेल्ड इन स्टॉक, तो जॉब वर्कर के बारे में आप जानते हो जो उसके अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वो यहाँ ले सकते हो। 10A, 10D, ऐसी सारी हमारे सेक्शंस है। तो फिलहाल आप हमें अगर स्टेट टैक्स और सेंटर टैक्स का इनपुट टैक्स बेनिफिट लेना है तो वो आपको मिलेगा 5A, 5B और 5C के अंदर। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ट्रान वन खुला इसके अंदर। तो पहला है सेंट्रल टैक्स, अगर आप सर्विस टैक्स के अंडर रजिस्टर्ड थे तो आप यहाँ सर्विस टैक्स वाला भरोगे, आपका एग्जिटिंग जो भी आपका एग्जिटिंग लॉ रजिस्ट्रेशन नंबर था सर्विस टैक्स के टाइम पर, उसका टैक्स का पीरियड, जिस टैक्स के पीरियड का रिटर्न फाइलिंग एग्जिटिंग लॉ में लास्ट रिटर्न जो फाइल करी आपने उसकी डेट, और सैंडविच क्रेडिट का कैरी फॉरवर्ड अमाउंट, और जितना आपका कैपेबल हो उसके लिए, मतलब जितना ITC आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर दोबारा ट्रान वन पे आएंगे और दूसरा टैब आपका है, देखो 5A देख लिया हमने, 5B देखो स्टेचुरी फॉर्म, अगर आपका यहाँ पर एक नोट इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा नोट लिखा हुआ ये पढ़ लेंगे, प्लीज CSV फाइल अपलोड द फंक्शन यू हैव एन लार्जर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यूज ऑनलाइन एड डिटेल्स फंक्शन एंड फॉर एडिंग अ लेजर रिकॉर्ड्स एंड यूज CSV फाइल अपलोड विद द नेम एज GST and ID एंड CSV एंड योर लास्ट अपलोडेड फाइल विल बी सिक्योर्ड एंड सेव डाउनलोड फैसिलिटी। तो ये मतलब आपका ये स्टेचुरी फॉर्म तो कुछ है ना, जो अगर आपका CSV फाइल इसलिए अपलोड करना पड़ता है अगर आपके 500 से ज्यादा फॉर्म है तो उसके लिए आप, अगर 500 से ज्यादा अगर आपके पास बिल है तो उसके लिए आपको एक अलग से ऑफलाइन टूल दिया गया उसके अंदर भरना पड़ेगा। और अब हम फाइनली आ जाते हैं स्टेट टैक्स पे। तो स्टेट टैक्स का क्या है, अगर हमारे पास कोई कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है स्टेट टैक्स का जो हमने वैट के टाइम पर क्लेम नहीं करा तो वो हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो जैसा कि देखो मैंने भर रखा है, लेकिन मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं आपके सामने दोबारा करूंगा इसको पूरा।
तो इसको हम जैसे ही ऐड डिटेल करेंगे आपके पास ये पूछेगा रजिस्ट्रेशन एग्जिटिंग रजिस्ट्रेशन नंबर इन एग्जिटिंग लॉग। तो वैट के टाइम पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, मतलब टिन नंबर था, वो आप यहाँ डाल देंगे। जैसे मेरा था 07417196041। तो आप अपना एक बार नंबर चेक कर लेंगे, तो मैंने ये डाल दिया। फिर जो भी आपका कैरी फॉरवर्ड अमाउंट था लास्ट रिटर्न में जो आपने क्लेम नहीं कर पाए थे कि उसके बाद जीएसटी आ गया था, वो डाल देंगे। तो मेरा अभी था 37657, इतना कैरी फॉरवर्ड था तो मैंने इसे डाल दिया। फिर आपका अगर कोई पेंडिंग है टर्नओवर सी फॉर्म पेंडिंग है तो उसकी डिटेल्स यहाँ दे दोगे, लेकिन मेरा अभी कोई नहीं है तो मैं 0। डिफरेंस और सी पेंडिंग, इन दोनों में जो डिफरेंसेज होंगे वो डाल दोगे। और टर्नओवर एफ फॉर्म अगर कोई आपने इश्यू करा था या परचेज करी थी एफ फॉर्म के अगेंस्ट कुछ भी करा था, तो एफ फॉर्म की डिटेल यहाँ पेंडिंग की डिटेल डाल दोगे। और यहाँ डिफरेंट टैक्सेबल एफ जो डिफरेंस है दोनों में आपको हमेशा डालना पड़ेगा। तो लाकरी में सी फॉर्म एफ फॉर्म इसकी रिवर्सल की अगर कोई है तो वो डाल दोगे। मेरे पास अभी फिलहाल कुछ नहीं है। एच और आई फॉर्म है कोई तो वो डाल दोगे और डिफरेंस उनका डिफरेंस डाल दोगे। तो टोटली देखो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। जब आप यहाँ पर डालोगे ना सारी डिटेल तो वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांजिशनल आईटीसी, जितना ट्रांजिशनल आईटीसी आपका बनेगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो आप जैसे इसकी सेव डिटेल्स करोगे तो देखो ये आपका सेव हो जाएगा। फाइनली ये आपको दिखा देगा कि आपका टिन नंबर ये है, आपका जो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट ये है, आपका कैरी फॉरवर्ड अमाउंट ये है। तो अब ये हमारा फाइनली जो हमारा टर्न वन है वो भर चुका है। अब इसे हम फाइनल सबमिट करेंगे क्योंकि हमारे को और किसी कॉलम से अभी मतलब नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमारा सिर्फ कैरी फॉरवर्ड अमाउंट था तो हमने जो यहाँ डाला ये। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, जैसे ये आप इसको सबमिट करोगे इसमें फिर आप कुछ दोबारा उसको छेड़ नहीं सकते, इसका बैलेंस जो है वो दोबारा आप छेड़ नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे, इसे सबमिट करोगे, इसके बाद ये सेव हो जाएगा। आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। फिर सेव होने के बाद ये सबमिट हो गया, अब इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब ये ऑप्शन आएगा आपके पास, अभी ये फाइनल सबमिट नहीं हुआ, अभी ये फिलहाल सबमिट हुआ है। अभी फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, अभी देखना ये ब्लैंक हो रहा है। तो अभी इस टैब में अभी फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो देखो ये जो टैब अभी ब्लिंक हो रहा था, अभी ये टैब आ चुका है। तो आप इसे करोगे और अपना प्रोप्राइटर का नाम, जैसे मेरा नाम आ रहा है मोहम्मद खान, प्रोप्राइटर का नाम लेकर और फाइल विद ईवीसी। तो ये जैसे ईवीसी कोड जाएगा, ईवीसी कोड आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। जैसे आप ईवीसी कोड डालोगे तो आपकी रिटर्न जो है ट्रान वन की रिटर्न फाइनली सबमिट हो जाएगी। तो अभी देखो मैं आपके सामने ईवीसी कोड भी डालूंगा, ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। आप अपने यहाँ पर जो है ईवीसी कोड अपना डाल देंगे, देखो जैसे मैंने डाला, और उसके बाद वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने के बाद आप ग्रीन कलर के बॉक्स में आप देख सकते हैं कि आपका जो रिटर्न वो लिखा हुआ है, योर रिटर्न हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, योर एन नंबर इज दिस। तो ये ग्रीन कलर के बॉक्स में आपको आपको बता देगा कि आपके रिटर्न जो है वो टोटली वेरीफाई हो चुकी है, और उसके बाद आप अपने रिटर्न फुल्ली फाइल कर चुके होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।